हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सिटी ऑफ नॉलेज में। आज हम सेकेंड किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ये क्या है? देखिए, इनको किंगडम ऑफ यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स भी बोलते हैं। देखिए, ऑल ऑर्गेनिज्म ऑफ द किंगडम प्रोटिस्टा आर यूनिसेलुलर एंड यूकैरियोटिक। जितने भी ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं हम, किसमें? प्रोटिस्टा में। ये यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक होते हैं, यानी सिंगल सेल्ड होंगे और इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वेल डेवलप्ड होगी। ठीक है, सेल्स में अकर इन कॉलोनीज बट आर नॉट ऑर्गेनाइज इनटू टिश्यूज। यहाँ पे जो सेल्स होंगी वो कॉलोनीज में होंगी, यानी कि एक साथ कई होंगी, मगर ये टिश्यू का ऑर्गेनाइजेशन नहीं करती, यानी कि ये टिश्यू नहीं बनाएंगी। दे आर एक्वेटिक, ये पानी में पाए जाएंगे, एंड मे बी फाउंड इन ओशियंस, लेक्स, पॉन्ड एंड डैम सॉइल। और कहाँ कहाँ पाए जा सकते हैं? देखिए, ये ओशियंस में पाए जा सकते हैं, लेक्स में पाए जा सकते हैं, पॉन्ड्स में भी पाए जा सकते हैं, और जो डैम सॉइल, जो गीली मिट्टियां होती हैं, उनमें भी पाए जाते हैं। द किंगडम प्रोटिस्टा इंक्लूड्स अ वेराइटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स। प्रोटिस्टा के अंदर हम कई वेराइटी देखते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, जैसे कि सम प्रोटिस्ट आर एल्गी विच रिजेंबल प्लांट्स। कुछ प्रोटिस्टा के जो मेंबर होते हैं वो किसकी तरह होते हैं? एल्गी की तरह होते हैं, जो कि रिजेंबल किससे करते हैं? किससे मिलते जुलते हैं? तो वो प्लांट्स से मिलते जुलते हैं, जैसे कि एग्जांपल है डायएटम्स। फिर नेक्स्ट है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ हमारा रिजेंबल करता है, रिजेंबल करना मतलब किसी से मिलता जुलता कोई कैरेक्टर। तो प्रोटोजोआ विच रिजेंबल्स एनिमल, प्रोटोजोआ हमारा किससे मिलता जुलता है? एनिमल से मिलता जुलता होता है, जिसमें एग्जाम्पल है हमारा एमीबा। फिर आता है यूग्लिनॉइड। यूग्लिनॉइड के अंदर हम स्टडी करते हैं मेनली यूग्लिना की, जिसमें कि हम देखते हैं कि उसमें प्लांट का भी कैरेक्टर होता है और एनिमल का भी कैरेक्टर होता है। लोकोमोशन, अब ये जो प्रोटिस्टा के मेंबर्स होते हैं, प्रोटिस्टा फैमिली में जो मेंबर्स आते हैं, उनका लोकोमोशन, वो इधर से उधर जाते कैसे हैं? तो पहला स्यूडोपोडिया के हेल्प से, दूसरा सिलिया की हेल्प से, और तीसरा हमारा फ्लैजेला की हेल्प से। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इनमें ऑटोट्रॉपिक भी होता है और हेटरोट्रॉपिक भी होता है। ऑटोट्रॉपिक के एग्जांपल है क्लेमाइडोमोनास, और हेटरोट्रॉपिक का है हमारा एमीबा। नेक्स्ट, रिप्रोडक्शन। तो प्रोटिस्टा में जो रिप्रोडक्शन होता है दोनों तरह से होता है, चाहे वो एसेक्सुअल हो चाहे सेक्सुअल मेथड हो। एग्जाम्पल्स आते हैं हमारे प्रोटिस्टा में कौन कौन आते हैं, जैसे डायएटम्स है, एमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, स्लाइम मोल्ड्स है, एटसेट्रा। ये देखिए एमीबा का स्ट्रक्चर और ये यूग्लिना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।